સુરતના પાંડેસરામાં એમપી અને યુપીથી રોજીરોટી કમાવવા માટે આવેલા પરપ્રાંતી મજૂરોને બે સમય ખાવાની તકલીફ પડતા ગતરોજ મોડી રાત્રે પોતાના માંદરે વતન પગપાળા જવા નીકળ્યા હતા ત્યારે 60થી વધુ નીકળેલા પરપ્રાંતી મજૂરોને બારડોલીના સુરત જકાતનાકા ખાતે પોલીસ જવાનો દ્વારા અટકાવવામાં આવ્યા હતા। लॉकडाउन ने पगले समग्र देश में गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की स्थिति कपरी थवा पामी छे। त्यारे पोताना मादरे वतन एमपी और यूपी थी गुजरात में रोजी रोटी कमावा आवेला हजारों गरीब मजूरों पर पोताना पेटना खाड़ा में लागेली आगथी कंटारी पग पारेश पोताना मादरे वतन जवा निकली पड़िया हता। तेवी स्थिति में सूरतना पांडेसरा विस्तार में दक्षेश्वर नगर में चीकूवाड़ी खाते आवेली डाइंग मिल में मजूरी काम करता 60 वधु मजूरो भूख मिटावाना भय थी गत रोज मोड़ी रात्रे पग पारा मादरे वतन जवा निकल्या हता। आ तमाम मजूरो यूपी ना बलरामपुर तमज एमपी ना मैहरना आजूबाजूना गामना रहीशो छे। पेटना भूखना कारणे पांडेसरा थी पग पारा यूपी सुधीनो सफर करवा 60 वधु मजूरो निकली पड़िया परंतु तमामनी स्थिति आसमान से गिरे खजूर पे अटके जेवी थई गई हती। पांडेसरा थी मात्र 35 किलोमीटर नो अंतर कापी बारडोली में पहुंचता ज पोलिस जवानों द्वारा तमाम ने अटकावी देवामां आव्या हता। त्यारे भूख थी लाचार तमाम परप्रांतीय मजूरो सरकार ने पोताना मादरे वतन पहुंचाड़वा कोई सगवड़ करी आपे तेवी मांग करी रह्या हता। तो बीजी तरफ तमाम मजूरो ने गाड़ियो भाड़े करी बारडोलीना पीआई द्वारा परत पांडेसरा मोकली आपवामां आव्या छे। किशन यादव है मेरा नाम, मैं दक्षेश्वर नगर चीकोवाड़ी में रहता हूँ और मार्केट में टेक्सटाइल मार्केट में काम करता हूँ, दिन भर करता हूँ, शाम को पैसा ले लेता हूँ सेल लोगों से। पैसा लेने के बाद अपना जो 1,500 से 2,000 4,000 हमारे पास था वही करके मैं खा रहा था। अब ख़त्म हो गया है, ख़त्म होने के बाद 38 दिन पूरा हो गया। अब खाने पाने का इंतजाम तो है नहीं, रूम मालिक तो हम लोगों को नहीं निकाल रहा है, उसका कोई गलती नहीं। मैंने खाने रूम मालिक खाने का थोड़े देगा, भाड़ा वो भी नहीं मांगा है, पहला बात है। और अभी कहाँ से निकले और कहाँ जा? हाँ, यहाँ दक्षेश्वर नगर चीकोवाड़ी से हम लोग निकले हैं, बांडौली में आके पहुँच गए हैं। कितने बजे निकले थे? 10:30 बजे। सरकार से क्या मांग कर रहे हो? सरकार से हम लोग बस वगैरह मांग रहे हैं, अगर कोई साधन दे दे तो हम लोग चले जाएँ, अगर नहीं देगा तो भी हम लोग पैदल जाने के ठाने हैं और पैदल जाएंगे। हाँ, कहीं भी अगर रोके पुलिस लोग रोकेंगे तो हम लोग वहीं बैठ जाएंगे, चलेगा। कितने बंदे निकले हैं? अब कम से कम कुछ नहीं तो 50-60 आदमी तो होंगे, इससे कम नहीं होंगे, 60-70 समझ लो। सूरत शहर अने जिल्लामाना तमाम तालुकाओमां किल्लेबंदी करी देवामां आवी छे अने एक विस्तारमांथी बीजा विस्तारमां जवू अशक्य छे તે પ્રકારનો પોલીસ બંદોબસ્ત ખડકી દેવામાં આવ્યો છે। ત્યારે દરરોજ મોટી સંખ્યામાં સુરતના પાંડેસરા અને ઉધના વિસ્તારમાંથી પગપારા પોતાના વતન નીકળેલા મજૂરોને બારડોલી અટકાવી પરત સુરત મોકલવામાં આવ્યા છે। ત્યારે સુરત શહેરનો પોલીસ બંદોબસ્ત કેટલો ચુસ્ત હશે તે દરરોજની ઘટના પરથી સ્પષ્ટ સાબિત થાય છે। રમેશ ખંભાટી, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, કડોદરા।